पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोरंगी नंबर 2.5 सेक्टर F48 फ्रांसिस टाउन जोसेफ किल टाउन इत्तेहाद कलोनी का दरीना मसला हल कर दिया। बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 124 के सदर डॉक्टर ताहिर खान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हबीब बंगर और मेंबर सिंध कौंसल नासिर रहीम लोधी ने जिमनी इलेक्शन NA 240 के कम्पेन के दौरान जो वादा किया था वो हारने के बावजूद पूरा किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि लॉन्डे नंबर 2 पर भी मिनोरिटी से किया हुआ वादा पूरा करके चर्च की छत के लिए नकद रकम दी। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ये वादा मैंने अपने लोगों के साथ किया था कि 4 से 5 इलाके जो पानी जैसी नेमत से महरूम हैं उन तक ये नेमत खुदावंदी मयसर हो सके। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया है कि लोगों के मसले मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाए और इन बल्दियाती इलेक्शन में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब करें ताकि आपके तमाम तर मसाइल का हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे आपकी दहलीज पर हल करें। उन्होंने मजीद कहा है कि 24 तारीख को निकले और तीर के निशान पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। इस पर साबिक सदर आरिफ आशिक भट्टी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी तंजीम डिस्ट्रिक्ट सिटी एरिया का बिलखसूस नासिर रहीम लोधी डॉक्टर ताहिर खान और हबीब भंगर का शुक्रिया भी अदा किया।